दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इंडियन एयरफोर्स में रफेल एयरक्राफ्ट को पूरा पूरी इंडेक्ट करने के लिए या फिर ऑपरेशनल करने के लिए हमें अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जबकि न्यूज के तहत हमें जानने को मिल रहा है कि अगले महीने 19 तारीख को एक सेरेमनी के तहत फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला रफेल हैंडओवर किया जाएगा और जिस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ फ्रांस जाएंगे। दोस्तों अगर 19 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला रफेल एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है तो इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में फुल्ली शामिल करने के लिए या फिर इंडिया में लाने के लिए हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ेगा। आप सब लोगों के मन में ये बात उठ रहा होगा कि अगर इंडियन एयरफोर्स को अभी रफेल मिल जा रहा है तो इंडियन एयरफोर्स अगले साल तक क्यों इंतजार करेगा, जबकि पाकिस्तान के साथ अभी का सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं है और रफेल जैसे एयरक्राफ्टों का इंडियन एयरफोर्स को काफी ज्यादा जरूरत है। रफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का एयर पावर को काफी गुना बढ़ा देगा और इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला हथियारों के बदौलत इंडियन एयरफोर्स तुरंत पूर्ण एयर सुपीरियरिटी हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अगर रफेल एयरक्राफ्ट को 19 तारीख को हैंडओवर किया भी जाएगा तब भी उसे अगर उसी समय ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में लाया जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स में इसे इंडक्ट करने के लिए 1 से 2 महीना समय लग सकता है, पर दोस्तों तुरंत उसी समय इसे ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में लाया नहीं जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में अमेरिका से खरीदा हुआ शुनॉक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टरों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने से पहले अमेरिका में एक सेरेमनी के तहत हैंडओवर किया गया था, जबकि चुनाव हेलीकॉप्टरों को जहाजों द्वारा गुजरात तक ट्रांसपोर्ट किया गया था वही पे अपाचे हेलीकॉप्टरों को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द्वारा इंडिया में लाया गया था। पर पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के मुताबिक रफेल एयरक्राफ्टों को इंडिया में लाने के लिए ना ही ट्रांसपोर्ट शिप या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जरूरत है, इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस से डायरेक्ट फ्लाई करके इंडिया में लाया जा सकता है। दोस्तों पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का पायलट थे, जो कि डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ एक एयरक्राफ्ट है। उनके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में लाने के लिए 2 हॉल्ट का जरूरत है, जहां पे एक हॉल्ट ग्रीस या इटली में होगा जबकि दूसरा हॉल्ट ओमान या फिर इजिप्ट में हो सकता है और उसके बाद इंडिया का गुजरात एरिया में इनको दाखिल कराया जाएगा और फिर इंडियन एयरफोर्स के बेस में इसे लाया जाएगा। दोस्तों पर उनका ये भी कहना था कि इन एयरक्राफ्टों को अकेला एक एयरक्राफ्ट उड़ा के लाया नहीं जाता है, बल्कि ग्रुप में 6 से 8 एयरक्राफ्ट उड़ा के लाया जाता है और इंडियन एयरफोर्स को बाकी के 5 से 7 एयरक्राफ्ट मिलने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा और माना जा रहा है कि रफेल डील का शेड्यूल के मुताबिक बाकी के 5 से 7 एयरक्राफ्टों को अगले साल गर्मी के महीने तक हैंडओवर कर दिया जाएगा और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों को रफेल एयरक्राफ्टों में ट्रेनिंग लेने वाला पायलटों के द्वारा फ्लाई करके इंडिया में लाया जाएगा। पर तब तक इंडियन एयरफोर्स के लिए दिया गया पहला एयरक्राफ्ट द्वारा इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को फ्रांस में ही एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जबकि एयरक्राफ्ट के साथ ग्राउंड क्रू का भी ट्रेनिंग होगा। दोस्तों उनके मुताबिक डसॉल्ट एविएशन द्वारा हैंडओवर किया हुआ हर एक एयरक्राफ्टों को फ्रांस में ही उड़ान भर के बारीकी से परखा जाएगा और फिर भारत में लाया जाएगा, जबकि अगले साल गर्मी के महीने तक फ्रांस द्वारा भारत को मिटियोर और स्कैल्प जैसे मिसाइलों का भी हैंडओवर कर दिया जाएगा जो रफेल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। तो एक तरीके से आशा किया जा रहा है कि 19 अक्टूबर को फ्रांस द्वारा ऑफिशियल सेरेमनी के तहत इंडियन एयरफोर्स को पहला रफेल हैंडओवर करने के बावजूद हमें अगले साल गर्मी के मौसम मतलब मई जून तक इंतजार करना पड़ेगा कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया में आए और हमें अपने आंखों से इन एयरक्राफ्टों को देखने का सुनहरा मौका मिले और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के कलर में उड़ाने का भी सुंदर नजारे को हमें देखने को मिले। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सक्सेस बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।